संसद के शीतकालीन सत्र के आठवें दिन संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। सेंध दो युवकों ने लोकसभा की विजिटिंग गैलरी से नीचे छलांग लगाकर की, जिसके बाद तो सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों लड़कों को जमकर कूट डाला। लेकिन इस घटना के बाद जहां सांसदों ने इस घटना को गंभीर बताया, तो वहीं बसपा से निकाले जाने के बाद अमरोहा से सांसद दानिश अली ने भी इसको लेकर बयान दे दिया है। बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि जो लड़का पकड़ा गया है उसका नाम सागर शर्मा है और मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा से उनका कनेक्शन सामने आया है। पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हाँ, कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। अब तक जानकारी के मुताबिक जो लोग इस घटना में आरोपी पाए गए हैं, उनके पास मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस से बना हुआ विजिटिंग पास मिला है। वहीं इन सभी आरोपियों में से सागर शर्मा नाम का लड़का उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। सागर शर्मा की मां ने बताया कि वो घर से धरना देने की बात बोलकर दो दिन पहले दिल्ली के लिए निकला था। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रानी शर्मा। क्या कोई जानकारी सागर कहाँ है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। क्या करता है सागर? सागर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। और पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर हैं। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल। क्या बता के यहाँ से गया है सागर और कहाँ गया है? अभी आपको बता तो चुके हैं, कितनी बार बताएं कि क्या बता के गया है। बता दीजिए एक बार। वही जो बताया, दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ, इसी के लिए। पैसा वैसा कुछ बताया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कब से गया है यहाँ से, कितने दिनों में? अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, अभी तो बताया आपको, 2 दिन हुए हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 बच्चे हैं मेरे, हम लोग 4 लोग हैं। सागर के अलावा एक बहन है? हाँ, बहन। किस तरीके की एक्टिविटी में रहा है, कभी इस तरीके से हमला हमला किया है कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसका कोई केस? कभी नहीं, ऐसा यहाँ सब जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। हम लोग बहुत पुराने से बात होती है आपकी? फोन से होती थी। हाँ, मेरी बात आज कल हुई है? नहीं, आज नहीं हुई है, कल हुई थी। कल हुई थी, क्या कहा उसने? अरे हाल चाल पूछा था हमने, खाना ना खाया कि नहीं है, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब। हमने बोला खाना ना खाया कि नहीं, बस यही बात हुई थी बस। अच्छा, बेटा से अपनी बस। पिताजी पेंटर है? कारपेंटर है। अब वो आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है उसमें वो पकड़ा गया है? अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौंकचक से हो रहे हैं एकदम से। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? तो हमें 15 साल हो गए रहते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।